लेट्स सी कि क्या होने वाले हैं रिजल्ट्स। अरे ये तो लिमिटर हो गया यार। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यहाँ पर आज आप लोग के लिए लिखा है एकदम जबरदस्त न्यू वीडियो और न्यू बैटल बिटवीन द टू सिबलिंग्स, यानी कि पल्सर की है। यहाँ पर दोनों ही पल्सर बाइक्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दोनों ही न्यूली लॉन्च बाइक हैं। लाइक पल्सर वो है P150 एंड दिस इज द ऑल न्यू पल्सर N160। से ऑल न्यू तो भाई दोनों ही है, बट लेटेस्ट अगर बात करें तो P150 है। बाकी एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बाइक्स दोनों काफ़ी प्यारी लग रही है, हालांकि उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। बाकी ऑलमोस्ट लुक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट कुछ हद तक भाई थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट देखने में लगे। ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको कॉमन सी चीज़ बताऊँ तो दोनों बाइक्स में आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और दोनों में डुअल चैनल ABS भी मिलते आते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग, और बाइक भी काफ़ी बढ़िया बजट में आ जाती है। मतलब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होने वाले रिजल्ट्स अगर हम इस खाली से हाईवे पे इन दोनों बाइक्स को भगाते हैं तो क्या कैसा परफॉर्म करती हैं दोनों बाइक्स। हमारे साथ हैं शारी भाई और हम दोनों लोग राइड करने वाले हैं, और इसमें हम लोग राइडर स्विच नहीं करेंगे, हम लोग एक ही लॉन्ग रेस करेंगे और उसी में रिजल्ट्स देखेंगे क्या होने वाले हैं। तो शारी भाई का जो वेट है वो काफ़ी लाइट है और इस वजह से वो P150 चलाएंगे। मेरा वेट थोड़ा हैवी है इसलिए मैं N160 चला लूँगा, और लॉन्ग रेस करेंगे, फाइनल रिजल्ट जो होंगे फिर वहाँ आपसे मिलते हैं। सो लेट्स गो। और बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना, और इंस्टाग्राम ID फ्लैश और डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, मेक श्योर फॉलो कर ले, सारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना भाई, और कमेंट करके जरूर बताना। सो लेट्स गो। भाई लॉन्चिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, बट यार सारी बाइक को थोड़ा सा वेट का फायदा भी मिला है। भाई दोनों ही बाइक्स को मैंने चलाया और दोनों ही बाइक्स काफ़ी बढ़िया भागती हैं और बहुत तेज़ी से निकले हैं आगे P150 लेके। भाई रिफाइनमेंट है इंजन में, स्मूथनेस है, टॉप एंड में भी जाके आपको कहीं पर जर्क फील नहीं होगा, वाइब्रेशन फील नहीं होगी। कितनी देर आगे रहते हैं देखते हैं। वैसे भागती तो दोनों मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होने वाले हैं रिजल्ट्स। अरे ये तो लिमिटर हो गया यार। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है P150 ज़्यादा सक्सेसफुल है इन कंपेयर टू दिस बाइक। P150 वर्सेस N160, सत्यम भाई पीछे रह गए हैं, ज़्यादा सीसी की बाइक लेके सत्यम भाई क्या हो गया है। भाई भाई कैसे आ रहे हैं, वो पकड़ेंगे हमें, उन्होंने बोला है कि वो पकड़ेंगे हमें। और ये हमने हरा दिया है। आ गए हैं बराबर पे, बहुत ज्यादा दर्द नहीं है और वो निकल भी जाएंगे मुझे लगता है। सत्यम भाई निकल गए, इनिशियल में मुझे फायदा मिला था थोड़ा। और ये लंबी रेस खींचते हुए, जैसा कि हमने बोला था राइडर स्विच नहीं करेंगे, एक ही लॉन्ग रेस करेंगे, देखेंगे क्या हो जाते हैं रिजल्ट्स इसके अगर हम लोग प्रॉपर इसको भगाते हैं। तो भाई लॉन्चिंग में मैंने थोड़ा सा बस ढीला छोड़ दिया था काम, वरना भाई लॉन्चिंग में भी मैं निकल जाता। और भाई साहब ये तो बगल में आ गए, एकदम बराबर चल रही है, बहुत टक्कर की चल रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त फिर से हम निकलने आ गए और हम इनको पठार देंगे फिर से। स्लिप स्ट्रीमिंग का थोड़ा सा एडवांटेज मिला, आगे निकल गए। तो P150 राजा हो रही है क्या, टॉप स्पीड के मामले में इसको जीतना चाहिए। लगाड़ दिया क्या?
बहुत तेजी से। अरे क्या बोले, थोड़ा सा हवा का रुख मुड़ गया था। सही था भाई, लेकिन बढ़िया बाइक से, नो डाउट, बहुत प्यारी बाइक से। सत्यम भाई फिर आगे निकले, फिर हम आगे निकले, मतलब बहुत बढ़िया कंपैरिजन था। अब राइडर चेंज करने का कोई फायदा नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था रिजल्ट। वही चीज, बार बार राइडर चेंज कर रहे हैं, बार बार दौड़ा है। नहीं सही था भाई, ऑल ओवर अगर मैं अपनी बात करूं तो दोनों ही बाइक्स काफ़ी बढ़िया है। ये 150 है, वो 160 सीसी की है, लेकिन दोनों अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और दोनों ही ऑलमोस्ट मेरे को तो सिमिलर लगी, कुछ खास डिफरेंस मेरे को फील नहीं हुआ। सो होप डिड गाइस कि आपको वीडियो देखने में मजा आएगी, वीडियो को कर देना लाइक इसी बात पे। और अगर आपका कोई सजेशन या फिर आपके मन में कुछ भी चीज़ आ रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इन दोनों बाइक्स को देखने के बाद। और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा है, मेक श्योर अपने भाई को फॉलो कर लें क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी तरीके किसी नई धमाकेदार वीडियो मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड राइड सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस।